नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य, केंद्र से मिले 162 करोड़ रुपए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत उत्तराखंड के लिए ₹527 करोड़ स्वीकृत किए गए। इस मत में पूर्व में ₹365 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी, अब शेष ₹162 करोड़ की राशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा पूरी धनराशि 527 करोड़ अवमुक्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास पथ की ओर अग्रसर है। टिहरी के बूढ़ा केदार में मैक्स वाहन खाई में गिरा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बालगंगा तहसील के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां नागेश्वर सौल लाटा मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। खाई में गिरा टिहरी से पौड़ी जा रहे युवकों का वाहन, 3 की मौत, अंधेरे में SDRF का सर्च अभियान। देर रात 9:50 बजे देवप्रयाग से 500 मीटर आगे सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णकांत नौटियाल ने टिहरी पुलिस को सूचना दी कि देवप्रयाग से 500 मीटर आगे एक वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया है, जो कि टिहरी से पौड़ी जा रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम पहुंची और एक शव को बाहर निकाला। बता दें, SDRF और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पता चला कि उक्त वाहन टाटा 207 है, जो कि देवप्रयाग से पौड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। SDRF की टीम ने अत्यंत विषम परिस्थितियों और रात के घनघोर अंधेरे में गहरी खाई में जाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन तक पहुंच बनाई। एक युवक के शव को बरामद रात में कर मुख्य मार्ग तक लाया गया और फिर 2 अन्य शवों को बरामद किया गया। पुलिस ने जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। जिला पुलिस द्वारा उक्त शवों की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के सामने कूड़े में मिला भ्रूण, गर्भपात कर फेंकने की आशंका। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने 4 महीने के बच्चे का भ्रूण मिला है। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जमीन बेचने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत 5 आरोपियों द्वारा जमीन दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। ऐसे में पीड़ित की तहरीर के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नौकरी से निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन जारी, जगह जगह पर प्रदर्शन। प्रदेश में कोरोना काल के बाद नौकरी से निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। इस क्रम में आज पौड़ी और खटीमा में भी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान खटीमा में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन किया, जबकि पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कर्मचारियों से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री के सामने उनकी मांगों को रखने का आश्वासन दिया है। गोरखनाथ टेम्पल अटैक, संत समाज बोला मठ मंदिर भी सुरक्षित नहीं, मदरसों को बंद करे योगी। हरिद्वार के संत समाज ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले की घटना पर रोष जताया है। उनका साफ कहना है कि CM योगी को मदरसों को बंद करना चाहिए, मदरसों में ही ऐसी शिक्षा दी जाती है। इस तरह की घटनाओं से मठ मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हल्द्वानी में मीट की दुकान का अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब। हाईकोर्ट में हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा मछली मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने नगर निगम और सरकार से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। उज्जैन, 67 लाख की ठगी मामले में 4 इंटरनेशनल ठग गिरफ्तार, आरोपियों में 2 रुद्रपुर के भी। मध्य प्रदेश के उज्जैन की साइबर सेल टीम ने क्लियरेंस के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाले 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले हैं और 2 विदेशी नागरिक हैं। ठग सोशल मीडिया पर दोस्ती कर विदेश से महंगे गिफ्ट भेजकर कस्टम समेत अन्य क्लियरेंस के नाम पर पैसे ऐंठते थे, साथ ही शादी का झांसा देकर विश्वास में लेकर ठगी को अंजाम देते थे। हरिद्वार में नहाते समय गंगा में डूबे 2 भाई, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, यहां 2 सगे भाई गंगा में नहाते हुए डूब गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की टीम को बुलाया। गोताखोरों की टीम बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड में 10 अप्रैल तक और चढ़ेगा पारा, 13 अप्रैल के बाद बारिश के आसार। उत्तराखंड की पहाड़ी और मैदानी जनपदों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो 10 अप्रैल के बाद तापमान में भी बढ़ोतरी और होगी। उन्होंने बताया कि साल 2009 के बाद से इस साल भी मार्च महीने में बारिश नहीं हुई, हालांकि 13 अप्रैल के बाद बारिश के कुछ आसार जरूर नजर आ रहे हैं। मसूरी, अतिक्रमण पर NHAI की कार्रवाई, JCB देख भागे फड़ व्यापारी। मसूरी में अस्थायी और स्थायी रूप से अतिक्रमण पर
एनएच विभाग ने कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा। उधर जेसीबी देख कुछ फड़े व्यापारी तो खुद ही जगह छोड़कर भागने लगे। फिलहाल प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सिडकुल पंतनगर में बंद पड़ी 14 फैक्ट्रियों के मालिकों को नोटिस, जाने क्या है पूरा माजरा। सिडकुल के बंद पड़ी फैक्ट्रियों में सुरक्षा कर्मचारी न होने से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा पंतनगर सिडकुल की 14 बंद पड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों को नोटिस भेजा गया है। उत्तरकाशी में राज्यपाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन, पूर्व सैनिकों से भी की मुलाकात। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर हैं। सबसे पहले राज्यपाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर के जिला सभागार में जनपद के पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। इस बैठक में विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा जनपद में वीर नारियों एवं सिविलियंस के कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी महामहिम को दी गई। रामनगर में गश्त के दौरान वन प्रभाग की टीम को मिला बाघिन का शव। रामनगर वन प्रभाग तरह पश्चिमी के आम पोखरा रेंज के शिवनाथपुरा पश्चिमी में बीट एन वन में बाघिन का शव मिला। बीती देर शाम वन कर्मियों की टीम जब गश्त पर थी तो उन्हें मरे हुए जानवर की दुर्गंध महसूस हुई। इसके बाद टीम ने आसपास छानबीन की तो एक मरी हुई बाघिन का शव मिला। डॉक्टर धन सिंह रावत बोले, श्रीनगर वासियों को जल्द मिलेगी गैस पाइपलाइन की सौगात। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्रीनगर में गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस संबंध में डॉक्टर धन सिंह रावत ने कल दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से मुलाकात की। मोतीचूर रेंज में मार्ग बंद होने के चलते एक बार फिर आंदोलन की राह पर ग्रामीण। हरिपुर कला कस्बे के ग्रामीण में एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। कारण है कि राजाजी टाइगर रिजर्व मोतीचूर वन क्षेत्र के सर्विस मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों का संपर्क ऋषिकेश से कट चुका है। लिहाजा अब ग्रामीणों को देहरादून और ऋषिकेश जाने के लिए फ्लाईओवर से होकर गुजरना पड़ रहा है। लक्सर में दुकान में मिला युवक का 2 गोली लगा हुआ शव, हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मसीद में एक युवक का उसी की दुकान में खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के शरीर पर 2 जगह गोली लगी है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा और 2 खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव में राहत कोष से 5 करोड़ रुपए बांटने का है आरोप। हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। ऋषिकेश निवासी कनक धने ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया सितारगंज बिजटी मझोला सड़क का शिलान्यास, 1.64 करोड़ आएगी लागत। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज बिजटी मझोला को जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया है। यह सड़क 9 किलोमीटर की है। पहले चरण में 4 किलोमीटर का निर्माण 1.64 करोड़ की लागत से किया जाना है। यमुनोत्री हाईवे निर्माण कार्य लोगों के लिए बना सिरदर्द, करना पड़ रहा घंटों इंतजार। चारधाम सड़क परियोजना के तहत यमुनोत्री हाईवे पर इन दिनों चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कारण 8 घंटे बाद भी हाईवे नहीं खुल पा रहा, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्स के मरीजों के लिए फिर से शुरू हुई लंगर सेवा, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट कराएगा भोजन। एम्स ऋषिकेश के मरीजों के लिए फिर से शुरू हुई लंगर सेवा, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट कराएगा भोजन। एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए खुशखबरी है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यहाँ फिर से दैनिक लंगर सेवा शुरू कर दी है। 2020 में जब कोविड संक्रमण शुरू हो गया था तब इस सेवा को स्थगित कर दिया गया था। फतेहपुर रेंज में ड्रोन से आदमखोर बाघ को तलाश रही शूटरों की टीम, 6 लोगों को बना चुका है निवाला। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में आतंक का प्राय बन चुके बाघ को मारने का वन विभाग ने आदेश दे दिया है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक उत्तराखंड ने बाघ को मारने के आदेश दिया है, जिसके बाद आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर पहुंच चुके हैं। शूटरों का दल आदमखोर बाघ के सर्च अभियान में जुट गया है। 6 लोगों को अपना निवाला बना चुके आदमखोर बाघ को मारने उत्तराखंड पहुंचे हिमाचल के शूटर्स। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना निवाला बना चुके आदमखोर बाघ को मार गिराने के आदेश के बाद शिकारियों और शूटरों का दल आदमखोर बाघ के सर्च अभियान में जुटा हुआ है। हिमाचल के जाने माने शिकारी आशीष दास गुप्ता, मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय शूटर सैयद अली बिन हादी ने बाघ को पकड़ने या मारने का मोर्चा संभाला है। टीम को अभी पहले दिन किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन वन विभाग को उम्मीद है कि जल्दी आदमखोर बाघ को पकड़ लिया जाएगा या मार गिराया जाएगा। उत्तराखंड मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के आदेश के बाद आदमखोर बाघ को मारने के आदेश जारी कर दिए गए। शूटर्स का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि आदमखोर बाघ को ट्रैंकुलाइज कर उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो उसे मार गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल के 3 हिस्सों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जहां हाथी और जिप्सी का सहारा लेकर बाघ को तलाश किया जा रहा है।
इकलौते बेटे को गोद में बिठाकर चीला नहर में उतर गया था पिता अब तक लापता। आज से 3 दिन पहले एक पिता अपने इकलौते बेटे को गोद में लेकर नदी मिकार में उतर गया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। एजेयर और आपदा राहत दल की टीम के साथ 2 गोताखोर खोजबीन में लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से नहर में अब तक 4 राफ्ट लगाई गई हैं। भरत विहार ऋषिकेश निवासी सुनील बंसल ने 3 दिन पूर्व कोतवाली ऋषिकेश में अपने पुत्र अर्चित बंसल और पौत्र राघव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि अर्चित अपने पुत्र को लेकर कार सहित चीला शक्ति नहर की ओर जाता दिखाई दिया है। डिग्री कॉलेज में टैबलेट वितरण शुरू, खिल उठे स्टूडेंट्स के चेहरे। मुख्यमंत्री फ्री टैबलेट योजना चुनाव के बाद अब फिर से जोर पकड़ने लगी है। राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय में भी योजना के तहत टैबलेट वितरण शुरू हो गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएस मेहरा ने कहा कि सभी छात्र छात्राएं 20 अप्रैल तक अपने टैबलेट और उनके बिल प्रस्तुत कर 1 सप्ताह के भीतर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से निर्धारित धनराशि डाल दी जाएगी। टैबलेट वितरण के लिए प्राचार्य के निर्देशन में एक समिति का गठन किया गया है जो संबंधित कार्य और दायित्व को देखेगी। प्राचार्य ने सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी। योजना से स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे जिससे वह उनका पैसा बचेगा, समय की भी बचत होगी, डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। योजना का मुख्य लक्ष्य छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक रुचि लाना है जिससे वह पढ़ाई में अधिक मन लगा सके। गर्मी बढ़ते ही पानी के लिए तरसे लोग, जल संस्थान के हवाई दावे। पहाड़ों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत भी सामने आने लगी है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पेयजल संकट गर्माने लगा है। कई गांव में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हल्द्वानी के पास कटघरिया बजनिया हल्दू इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में होगी इन पदों पर नियुक्तियां। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। बता दें कि उत्तराखंड में बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत खाली पड़े 84 पदों पर प्रतिनियुक्ति से नियुक्ति करने की मंजूरी शासन द्वारा दी गई है। दूसरे चरण में 955 बीआरपी सीआरपी के पदों को भरा जाएगा। बीआरपी सीआरपी के पदों के लिए पिछले 2 साल से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।